हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए हमने बैंगन लिए हैं 2 किलो जो हमने बारीक काट लिए हैं, टमाटर 1.5 किलो जो हमने बारीक काट लिए हैं, प्याज 20 जो हमने बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, हींग हमने लिया है थोड़ा सा, जीरा 1/2 चम्मच, नमक लिया है हमने 1.5 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बैंगन का भरता बनाना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भरता बनाना। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें जो है 2 चमचे तेल डाल दिया है, उसमें डाला है हमने जीरा 1/2 चम्मच, डालेंगे हींग 1 पिंच, 1 चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा और डाल देंगे, डालेंगे प्याज, हमने 20 प्याज काटी है और जो हमने बारीक काटी है तो हम प्याज डाल देंगे, जो हम अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको जो है अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक डाल देंगे 1.5 चम्मच, प्याज के साथ अच्छे से नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब बैंगन डालेंगे, ये 2 किलो बैंगन है जो हमने जो है बारीक काट के लिए हैं, टमाटर डाल देंगे, यानी 1.5 किलो टमाटर है और जो बारीक काट लिए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे कवर करके रख देंगे। हमारा बैंगन का भरता जो है अब बन के तैयार हो गया है, देखिए। और बैंगन का भरता तैयार होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।